हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। आइए आज बनाते हैं जाड़े के सीजन का बेहतरीन अचार, जो कि इंस्टेंट अचार है। ये बनाने के साथ ही खाया जा सकता है, रेडी टू ईट है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर गोभी के कुछ टुकड़े, शलजम, हरी मिर्च और दो मूली लिया है। इन सब्जियों को छीलकर धोकर छोटे टुकड़े में काट लेना है और उसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है और उसमें कटे हुए शलजम, मूली और गोभी को डाल देना है और इसी तरह से इसे 2 मिनट तक गर्म पानी में नमक डालकर छोड़ देना है। अब 2-3 मिनट के बाद हम इसे छन्नी में छान लेंगे और फिर सब्जियों को ठंडा होने देंगे। अब एक गर्म पैन में 1 टीस्पून अजवाइन डालें, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और लगभग 2 टेबल स्पून सरसों दाना, 1/2 टीस्पून जीरा। अब इन सब चीज़ों को हल्का सा गर्म कर लें। अब लाइटली टोस्टेड दाने को एक प्लेट पर ढाल लें और इसे ठंडा होने दें। अब बॉयल होने के बाद सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, तो मैंने उसे एक बोल में डाल दिया है। तो अब इन सब्जियों पर मसाला डालने की बारी है। तो सबसे पहले मैं इस पर 1/2 टीस्पून कलौंजी मैंने डाला है और यहीं पर वो सारे मसाले डालने हैं जिसे अभी मैंने भूना था, उसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो डाल दें। साथ ही इसमें डालें नमक, लगभग 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्च 1/2 टीस्पून, आप अगर ज़्यादा तीखा चाहें तो ज़्यादा डाल लें, हींग 2 चुटकी ले लें या 1/8 टीस्पून से भी थोड़ा कम डालें। इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, साथ ही ये डाइजेशन में भी मदद करता है। 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, ये चीज़ों को खटास देता है, फौरन ही ये चीज़ों को खट्टा कर देता है, साथ ही शेल्फ लाइफ भी चीज़ों की बढ़ जाती है इसके इस्तेमाल से। तो अगर आप इसे धूप में रखने वाले हैं 2 दिन तक, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ये अचार बिल्कुल इंस्टेंट अचार है और ये बनाते के साथ ही खाने के लायक हो जाता है। अगर आप इसे 2 दिन पर धूप में छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ये अचार जाड़े के सीज़न का बेहतरीन अचार होता है क्योंकि ये बहुत ही जूसी होता है और बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। और जाड़े की सभी सब्जियां इसमें डाली जा सकती हैं, जैसे कि मैंने इतनी सब्जियां डाली, अगर किसी को पसंद है तो वो इसमें गाजर भी शामिल कर सकता है, बीन्स भी शामिल कर सकता है। और इसमें एक ख़ास चीज़ डालने से इसका मज़ा और अच्छा हो जाता है और वो है हरी मिर्च। मैं यहाँ पर लंबी वाली 5 मिर्चें तोड़कर डाल रही हूँ। ये अचार अदरक और लहसुन के बगैर ही बनाया जाता है और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा तेल, क्योंकि जनरली जाड़े में हम अचार को पूरी या पराठे के साथ खाते हैं, तो उस वक्त अचार में मसाला और तेल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब सबसे आखिर में एक बढ़िया सी चीज़ डालते हैं, वो है सोया। जी हाँ, इसके ऊपर काटकर ढेर सारी सोया की पत्ती डालें, ये खट्टा होकर बहुत ही मज़ेदार लगेगा और इसके फ़ायदे तो हैं ही। तो इसे अच्छी तरह से चला लें, बहुत ही लाजवाब अचार बनता है। आप अगर इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये है ही इतना मज़ेदार और इतना आसान। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसे जार में रख लें और अगर पॉसिबल हो तो इसे 2 दिन धूप में रखें, बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा। और आप इसे देख सकते हैं अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।